हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू फाइन। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पोगो क्लास। टुडेज वी आर गोइंग टू रीड अबाउट लेसन नंबर 23 ऑफ ईवीएस सब्जेक्ट ऑफ क्लास फोर्थ। चैप्टर नेम इज डोमेस्टिक एनिमल्स, मतलब घरेलू जानवर, है ना। दिस इज अवर एक्सरसाइज पार्ट वीडियो, क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट का वीडियो है। तो फर्स्ट डी सी द ओरल क्वेश्चन, ओके। सो लेट सी क्वेश्चन नंबर 1। नेम एनी 5 डोमेस्टिक एनिमल्स, मतलब आपको 5 डोमेस्टिक घरेलू जानवर का नाम बताने जिसको हम घर में पाल सकते हैं। सो लेट सी योर आंसर इज 5 डोमेस्टिक एनिमल्स नेम्स आर, 5 घरेलू जानवर के नाम हैं। काऊ, काऊ मीन्स गाय, डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता, कैट, कैट मीन्स बिल्ली, फोर्थ है रैबिट, रैबिट मीन्स खरगोश, 5 है बफेलो, बफेलो मीन्स भैंस। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट अबाउट फूड लिविंग एंड बिहेवियर ऑफ एनी 2 एनिमल्स, 2 एनिमल्स का नाम बता, सॉरी उसका फूड है ना और लिविंग क्या बना, खाना बताना है। लिविंग मतलब कहाँ रहता है उसको बताना है, बिहेवियर मतलब उसको बिहेवियर कैसा है, व्यवहार उसको बताना है। तो चलिए देखिए एनिमल्स, इस प्रकार से आप कॉलम बना लीजिएगा। एनिमल्स वहाँ पे नाम लिखना, फूड हैबिट बताना है, यहाँ पे लिविंग हैबिट बताना है और बिहेवियर। तो फर्स्टली देख लीजिए काऊ, है ना। काऊ मीन्स होता है गाय, गाय क्या खाती है ग्रास, घास खाती है, लिविंग इंसेक्ट अपने छाया जिसको हम लोग कोठा बोलते हैं ना वहाँ रहती है। जेंटल मतलब बहुत ही समझदार रहते हैं, जब उसके साथ कोई छेड़छाड़ करते तभी वह मारते हैं ना, नहीं तो वो अच्छे प्यार से रहती हैं। और डॉग है, डॉग में सोता है कुत्ता, क्या क्या खाती है मिल्क है, राइस, मीट, है ना, दूध पीते हैं, चावल, मांस भी खाता है। और इन कैनल, ये कैनल में रहता है मांस में, है ना। और ये क्या करता है, प्लेफुल और सोशियबल एनिमल्स है। प्लेफुल मतलब ये प्ले बहुत ज़्यादा करता है, खेलते रहता है। और सोशल मतलब इसको पालते हैं और जैसे इसको ट्रेन किया जाता है ना, और कुछ कुछ बोल नमस्ते करने के लिए और प्ले करने के लिए। तो ये क्या हो गया, सोशल हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये रिटर्न क्वेश्चन है। ओरल क्वेश्चन का 3 है, देख लीजिए। एनिमल्स आर आवर फ्रेंड्स, हाउ? एनिमल्स मीन्स जानवर हमारे दोस्त होते हैं कैसे, चलिए देखते हैं। मैनी ऑफ द एनिमल्स आर आवर रियल एंड ट्रू फ्रेंड्स, है ना। बहुत से जो जानवर है वो हमारे सच्चे और रियल मतलब वास्तव में और सच्चे फ्रेंड दोस्त होते हैं। दे लिव इन परफेक्ट फ्रेंडशिप विथ अस, ये हमारे साथ पूर्ण रूप से दोस्ती दोस्त के तरह रहते हैं हमारे साथ। एग्जाम्पल है कैट्स है, डॉग है, हॉर्सेस है, काउस है ना। एनिमल्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस, जानवर हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। कैट्स है, कैट्स क्या देती है, चलिए देखिए। दे किल रैट्स, ये चूहा को मार के खाती है। डॉग्स है, कुत्ते क्या करते हैं, दे प्रोटेक्ट फ्रॉम थीप, ये हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हमको किससे, थीप मतलब चोर से। काऊ, दे गिव अस मिल्क, गाऊ हमें क्या देती है, दूध देती है। रिटर्न क्वेश्चन है, व्हाट डू यू डू टू लुक आफ्टर योर डोमेस्टिक एनिमल्स, आपके घर में यदि कोई है ना, इसका मतलब है आपके घर में यदि कोई भी डोमेस्टिक एनिमल्स है मतलब पालतू जानवर है, तो आप उसकी देखभाल किस प्रकार से करते हैं उसको आपको बताना है, कर सकते हैं ऐसा। फर्स्ट हो जाएगा फीड योर पेट गुड क्वालिटी फूड, से किस प्रकार से आपको देखभाल करना है। तो यहाँ देख लीजिए आपको क्या करना है, फीड मतलब खिलाना है, क्या खिलाना है, गुड अच्छी और मतलब क्वालिटी बहुत ही गुणवत्ता वाले खाना खिलाना है। सेकंड है प्रोवाइड देम नीडेड
वैक्सीनेशन ऑन टाइम, उसको क्या करना है, वैक्सीनेशन करवाना है टाइम टाइम में, है ना, जैसे इंजेक्शन लगवाना पड़े, जैसे डॉग है उसको रेबीज होता है उसके काटने से, इसी कारण क्या होता है उसको समय समय पर टीका लगवाना पड़ता है, कोई बीमारी उससे हम में ना फैले या उसको कोई भी बीमारी बाहर से ना हो। थ्री है कीप अ क्लीन एंड हाइजीनिक इन्वायरमेंट्स फॉर देम, इसके लिए हमेशा क्या करना है, स्वच्छ और मतलब साफ सुथरा पर्यावरण, उसके आसपास का जो एरिया है वो स्वच्छ होना चाहिए। जैसे कहीं पे हम गाय को बांध रहे हैं तो वहाँ क्या होता है, हमेशा पानी से क्लीन करना चाहिए, जैसे गोबर है पैरा वगैरह रहता है, अगर उसको इकट्ठा कर दिए तो वहाँ पे बदबू आने लगेगा उसके सड़ने के कारण, मक्खी आएंगे मच्छर आएंगे, जिससे क्या होता है बीमारी फैल सकता है। तो हमेशा क्या करना है, उसको क्लीन करना है और उसी जगह पर उसको रखना है। क्वेश्चन नंबर टू देख लीजिए, व्हाट प्रॉब्लम्स डू वी फेस इन परफॉर्मिंग पर्टिकुलर वर्क इफ वी डू नॉट गेट द हेल्प ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स है ना, उसका अगर हम क्या करते हैं मदद नहीं लेते हैं तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है ना, उसको हम जानेंगे। और हम उसका मदद लेते हैं किस प्रकार से, उसको आपको बताना है। यहाँ पे देखिए डोमेस्टिक एनिमल्स का यहाँ नाम लिखना है और वो क्या क्या काम करते हैं हमारे लिए उसको बताना है ना, और उसके बगैर हम लोग उस काम को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग डोमेस्टिक एनिमल्स का नाम लिखे, ऑक्स और बफेलो है ना, बैल है और भैंस है, उसका उपयोग किस में करते हैं, इन एग्रीकल्चर्स। अगर ये एनिमल्स नहीं रहेंगे तो हम एग्रीकल्चर में इसका उपयोग नहीं कर सकते, जैसे हम हल चलाते हैं ना खेत को जोतने के लिए, फिर फसल उगाते हैं। टू है डंकी, एलिफेंट गधा और हाथी क्या करते हैं, कैरिंग लोड, मतलब जो लोड सामान है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे लाते हैं ले जाते हैं। डॉग है कुत्ता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम थीप, ये हमें चोरों से बचाते हैं। फोर है कैट, काऊ, फाइव काऊ है ना, कैट क्या करती है, अ किल रैट्स, चूहे को मारती है। हमारे घर में बहुत सारे चूहे जाते हैं जो सामान को कुतर देते हैं, नुकसान कर देते हैं। काऊ है गिव अस मिल्क, काऊ हमें क्या देती है, मिल्क देती है ना, खाना देती है, दूध देती है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर थ्री है, देखिए टेल व्हाट द हॉर्सेस इट, हाउ डू दे हेल्प अस, आपको बताना है हॉर्स क्या खाती है और हमारी मदद वो किस प्रकार से करती है। तो आपका आंसर हो जाएगा हॉर्सेस इट्स ग्रास एंड हे, हे मिस होता है सूखा घास है ना, जिस घास को हम सुखा के रखते हैं, है एट मील टाइम, अपने भोजन के समय में वो क्या क्या खाती है, घास खाती है और सूखा घास खाती है। दे आल्सो इट्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, वो खान सब्जियां और फल भी खाती है। दे आर यूज्ड फॉर राइडिंग एंड ट्रांसपोर्ट, इसका यूज़ किस 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 के लिए करते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए करते हैं, मतलब यातायात साधन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए, और घुड़सवारी के लिए भी करते हैं। दे आल्सो यूज्ड फॉर कैरिंग थिंग्स और पुलिंग कार्ट, कुछ भी वस्तु है ना, कोई भी वस्तु है उसको कैरी करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए, और कार्ट मतलब जो गाड़ी रहता है ना चक्का गाड़ी, उसमें यूज़ किया जाता है कहीं सवारी ले जाने के लिए। क्वेश्चन नंबर फोर है व्हाट विल हैपन इफ द टाइगर्स एंड क्रोकोडाइल्स आर डोमेस्टिकेटेड,
यहाँ पे पूछा जा रहा है यदि टाइगर और मतलब जो बाघ है ना, बाघ और मगरमच्छ को अगर पालतू बना लिया जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पे एक बात ये है कि हम जो डेंजरस एनिमल्स है उसको नहीं पाल सकते ना, वो हमारे लिए डेंजरस हो सकते हैं। अगर स्टार्टिंग से ही वो हमारे एरिया में ही पैदा होता तो वो डेंजरस जो उसका नेचर है वो नहीं होता ना। और क्या करते हैं वो अपने जो झुंड है या अपने मम्मी पापा के पास वहीं पैदा होते तो उन्हीं लोग का नेचर सीखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं उत्तर आ जाएगा। टाइगर एंड क्रोकोडाइल्स आर वाइल्ड एनिमल एंड डेंजरस एनिमल। ये क्या है, एक जंगली जानवर है और बहुत ही खतरनाक जानवर है हमारे लिए। वाइल्ड एनिमल बॉर्न इन कैप्टिविटी मे बी टैम्ड देयर बिहेवियर, है ना। वाइल्ड एनिमल कहाँ पैदा होते हैं, अपने कैद में होते हैं, अपने परिवार के पास पैदा होते हैं। यदि उसको हम पालते हैं देयर बिहेवियर कैन बी कंडीशंस बट दे आर नॉट डोमिकेटेड। उसका जो बिहेवियर है वो कहाँ पे हम उसके कंडीशन पे डिपेंड करेगा, है ना। जैसे वो स्टार्टिंग से ही जो जेंटल नेचर है एनिमल है वहाँ पर अगर उसको टैम्ड किया जाता है, पाला जाता है, उसका बिहेवियर वैसे ही होगा। लेकिन क्या होता है वो कैद में अपने परिवार के पास पैदा होता है तो वहीं उन्हीं के अकॉर्डिंग ही वो सीखता है। लेकिन दे आर नॉट डोमेस्टिकेटेड, ये क्या है, एक पालतू नहीं है तो हम उसको नहीं पाल सकते ना, हमारे लिए बहुत ही डेंजरस है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर टिक लगाने का है। टिक द राइट आंसर फ्रॉम द गिवन 3 चॉइसेस एंड राइट डाउन इन द बॉक्स। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया है, चॉइस दिया है, उसको आपको चूज करना है। फर्स्ट हो जाएगा इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर, यहाँ पे ऑप्शन दिया है उसको बताना है। एग्रीकल्चर के लिए कौन कौन सा एनिमल यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्स, सेकेंड है हॉर्स, थर्ड है रैबिट। तो कौन सा यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर कृषि के लिए, तो ऑक्स है ना, हल जोतते हैं इससे। क्वेश्चन सेकेंड है एनिमल्स दैट गार्ड्स द हॉर्स, इसमें से कौन सा एनिमल्स है, जानवर है जो घर के लिए गार्ड्स मतलब रक्षक के समान कार्य करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है डंकी, सेकेंड है कैट, थर्ड है डॉग। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा डॉग। थर्ड है इज नॉट यूज्ड इन कैरिंग पैसेंजर, इनमें से कौन सा है जो पैसेंजर यात्री को कैरी नहीं कर सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है हॉर्स, सेकेंड है कैनल, थर्ड है गोट। तो आपका सही आंसर हो जाएगा गोट, है ना। बकरी नहीं ले जा सकती है, हॉर्स और कैमल ऊंट ले जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है डू नॉट कैरी लोड्स, इनमें से कौन सा जानवर है जो लोड्स को कैरी नहीं कर सकता है। तो आपका आंसर देखते हैं, फर्स्ट है कैमल, सेकेंड है डंकी, थर्ड है पिग। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा पिग, सुअर नहीं ले जा सकता है ना। ये सब क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। ये कंप्लीट हो गया चैप्टर 23 का डोमेस्टिक एनिमल्स। ओके दोस्तों, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।